आइए प्रवेश करें हरि नाम से इस पवन पवित्र श्रीमद् भक्तमाल कथा में। सर्वप्रथम गुरु महाराज के श्री चरणों से सभी आज्ञा लें कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना तो तरु से एक पत्ता नहीं हिल सकता। केवल 5-10 ग्राम का वह पत्ता जब एक टहनी से अलग होकर के उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता, तो इतने भारी भारी शरीर यदि उठ करके श्री के दरबार में आए हैं तो इसका मतलब कि उसी की कृपा है। कहते हैं कि गुरु कृपाल बिन होत नहीं, प्रभु के साक्षात्कार और लाख रटो पोथी पढ़ो सब कुछ है बेकार। आप जितनी मर्जी पोथी पढ़ लीजिए, लेकिन यदि गुरु महाराज के श्री चरणों से नहीं लगे तो आपको कभी ठाकुर का दीदार नहीं हो सकता। क्योंकि गुरुदेव है परमात्मा से मिला लेने वाला। सतगुरुदेव भगवान हमारे जीवन में, कई लोग पूछते हैं अच्छा उधर तो बहुत धीमे धीमे बात हो रही है, आप सब उधर गौर कर रहे हैं जबकि वो सुनाई नहीं आने वाला, और यहां मैं तेज बोल रहा हूं जो आपको सुनाई आएगा पर आप यहां नहीं देख रहे, कारण क्या है? भक्तमाल कथा क्या है यही बताने जा रहा हूं, और यदि आपको यही समझ नहीं आया तो भक्तमाल समझ आने वाली नहीं है प्यारे। अच्छा हाथ उठाइए, श्रीमद् भागवत किस किस व्यक्ति ने सुनी है, किस किस भक्त ने सुनी है? श्रीमद् भक्तमाल भागवत कथा किस किस ने सुनी है? सभी ने लगभग सुनी है, और केवल वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने श्री भक्तमाल सुनी है, उसका श्रवण किया है भक्तमाल कथा का। तो आपके लिए सुनना जरूरी है कि हम किस कथा में आए हैं, इस कथा का लाभ क्या है, इस कथा से हमको मिलने क्या वाला है, ये कथा किसने कही, किसकी है, किसका वर्णन है। तो आपकी शंका को दूर करते हुए उसी ओर जा रहा हूं, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि आपका भी ध्यान केवल इधर रहे। मैं आपसे कह रहा था क्योंकि गुरु दरबार में बैठे हैं, गुरु नाम की चर्चा सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम उन्हीं के नाम की चर्चा होनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि ब्रज में जो लोग जाते हैं कि हम लोग गुरु धारण कर सकते हैं, अजी क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते, बोले लेकिन हमने पहले गुरु दीक्षा ले रखी है। सुनने वाली बात है, आप गुरु कितने भी धारण कर सकते हैं इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, लेकिन सतगुरु केवल एक ही है जीवन में। सतगुरु जो हमको सत्य के मार्ग पर चलाता है, हमको मुक्ति दिलवाता है, वो है सतगुरु। और गुरु, गुरु तो जिसने आपको जन्म दिया, आपका सबसे प्रथम गुरु आपकी माँ, द्वितीय गुरु आपके पिता, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, जिसने जिन भाइयों को कारोबार जिस व्यक्ति ने सिखाया वह भी आपका गुरु है। गुरु गुरु कितने भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन सतगुरु केवल एक हो सकता है, सतगुरु नहीं हो सकता, सतगुरु सम दूजा नहीं। आप जिससे शिक्षा लेते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं, जिस विद्यालय में जाते हैं, वहां के जितने भी अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, अध्यापक का शुद्ध हिंदीकरण क्या है? गुरु तो है, तो गुरु में भेद कैसा? आप गुरु कितने भी धारण कर सकते हैं, राधा नाम धारण करने के लिए भी आप गुरु धारण कर सकते हैं, लेकिन सतगुरु केवल एक है। कई लोग पूछते हैं कि सतगुरु और गुरु में क्या अंतर है, कैसे पता चले? जिसकी सोच ऊंची है, जो कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं, केवल पॉजिटिव, सदैव आपकी बात पर मुस्कुरा देने वाला, आपने अपनी कोई भी विपदा उसको सुनाई, केवल मुस्कुराहट से
जिस दुख का निवारण हो जाए वे गुरु हैं। जिसका मन स्थिर है यहां वहां नहीं भटकता, एक केवल एक तरफ स्थिर है, एक के ही श्री चरणों में है, वे भी आपका गुरु हो सकता है। जिसका स्वभाव शीतल है वह भी आपका गुरु हो सकता है। जो एकांत प्रिय हो, जिसको भीड़ भाड़ से कोई लेना देना नहीं, वे भी आपका गुरु हो सकता है। आपको उदाहरण भी दे दूं, मन स्थिर अध्यापक आपको कक्षा में पढ़ाता है, हर साल बच्चे उत्तीर्ण होकर के अगली कक्षा में चले जाते हैं। मास्टर अगर चौथी में है तो चौथी में ही रहता है, उसको आगे बढ़ने की नहीं होती कि मैं भी पांचवी में जाऊं, मन स्थिर है। लेकिन ये चारों के चारों गुण जिसमें पाए जाते हैं वे है सतगुरु, वह है सतगुरु। जिसमें ये चारों के चारों गुण पाए जाए वे है सतगुरु। और सतगुरु कोई ढूंढने नहीं पड़ते प्यारे, आपका विश्वास होना चाहिए, सतगुरु स्वयं खींच लेते हैं अपने श्री भक्त को। आइए गुरु महाराज के श्री चरणों में एक भजन का आनंद लेते हुए आगे की भक्तमाल कथा में प्रवेश करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी गाइएगा, आप सभी का जाना हुआ सुना हुआ भजन है, सभी गाइए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सतगुरुदेव भगवान की। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
जयकारा बाबा लाल जी दा बोल सच्चे दरबार की। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। बुद्धिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो मूरख को गुणवान प्रभु, मूरख को गुणवान प्रभु, मूरख को गुणवान प्रभु, मनीष कपिल को भी दे दो ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले गुरुदेव भगवान की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय। ये कृपा नहीं तो क्या है, आपके सामने की बात है कि हम सतगुरुदेव भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं, और इस बीच यदि संतों का आगमन हो तो ये कृपा नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं तो क्या है। हमारे बीच चंडीगढ़ से पधारे हमारे परम पूजनीय, विशेष स्नेह करते हैं हमसे श्री श्री वीरेंद्र हरि जी महाराज, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। ये प्रेम है चंडीगढ़ से अपने सभी कार्यक्रमों को छोड़ करके महाराज जी हम सबके बीच पधारे हैं, उनके संग भी एक माता जी संत रूप में है, उनके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दंडवत है हमारा। ये कृपा केवल केवल और केवल गुरु दरबार से मिल सकती है। आप सबके बीच से निकला हूं, आप सभी जानते हैं कई वर्षों से इस मंदिर में आकर के हर 16 सितंबर को संकीर्तन का आयोजन किया जाता था हर वर्ष, लेकिन मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने, लोग कहते थे कि आप संकीर्तन करते हैं, इतना समय आप देते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, आपको मिलता क्या है, आज वह देख ले क्या मिलता है। यहां तक का यदि सफर हो पाया है तो मेरे ठाकुर की कृपा से, मेरे सतगुरुदेव भगवान की कृपा से।
और मैं तो कहता हूँ महाराज जी कि रंगत ऐसी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर कि रंगत ऐसी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर आज क्या से क्या हो गए नाम तुम्हारा लेकर तेरी एक नजर ने न जाने क्या क्या काम कर दिए हैं। सतगुरुदेव भगवान आज भी मुझे याद है कुंभ का मेला में यहाँ आपके हरिद्वार में था महाराज जी के श्री दरबार से आदेश हुआ कि जो यात्रा निकलेगी उसमें आपने संकीर्तन करना है। हमने उसको स्वीकारा उस आदेश का पालन किया यहाँ पहुंचे महाराज की विशेष कृपा रही। उसी समय को याद करके आज मेरे दिल के भाव कि तेरी एक नजर ने न जाने क्या क्या काम कर दिए हैं। जो थे बदनाम दुनिया में उनके भी नाम कर दिए हैं कि मुझे नाम नहीं चाहिए बेनाम रहने सतगुरुदेव भगवान इतना नाम नहीं चाहिए नाम केवल इतना हो कि आपकी कृपा के तले रहे। आप सदैव याद रखे केवल इतनी कृपा चाहिए कि मुझे नाम नहीं चाहिए बेनाम रहने दो। मुझे अपने चरणों का गुलाम ही रहने और ये आनंद आप भी पा सकते हैं। आप तो ऐसे वृक्ष के नीचे बैठे हैं जहां आप चिल्ला चिल्ला करके कह सकते हैं प्यारे सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है गुरु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर दम आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर दम आनंद ही आनंद है। सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर दम आनंद ही आनंद है।